हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। इफ़ यू गाइज डोंट नो हु आई एम, दैट कोई बात नहीं, मैं कोई हूँ भी नहीं आज मैं आपसे शेयर करूँगी साड़ी के पोजेस विच यू कैन अप्लाई एट योर होम, बाहर में, शादी में, रिसेप्शन में, कहीं पे भी। सो लेट गेट स्टार्टेड। बट यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर यू डू दैट। एंड दिस इज़ माई साड़ी फॉर टूडे एंड दिस इज़ माई जुगाड़ू सेटअप। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहले पूछ के लिए आपको करना क्या है, सिंपली बैठ जाना है, एक हाथ सीधा करके रखना है, दूसरे हाथ को उसमें फोल्ड करेंगे और अपने चिन को अपने शोल्डर के बराबर मिलाएंगे। उसके बाद आप अलग अलग एक्सप्रेशन देके आप अपना किसी भी तरह का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगले पोज के लिए आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद उसको कैमरे से थोड़ा सा आगे रखना है, उसके बाद कैमरे की ओर देख के एक्सप्रेशन देना है, उसके बाद आप अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब अगले पोज के लिए मैं इस तरह से एक नॉवेल का यूज़ करूँगी, उसको बस सिंपली अपने हाथ में लूँगी और बस उस नॉवेल की ओर नीचे की तरफ देखूँगी और उसके बाद अपना फ़ोटो क्लिक करूँगी। आप अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन दें और फ़ोटो क्लिक कर लें। अब अगले पोज के लिए आपको अपना दोनों हाथ टेबल में रखना है और स्ट्रेट कैमरे की ओर देखना है और उसके बाद एक्सप्रेशन दें और फ़ोटो क्लिक कर लें। अब अगले पोज के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपना दोनों हाथ टेबल में रखना है, नज़र आपको नीचे की ओर साड़ी की ओर रखना है और सिंपली स्माइल करना है और फ़ोटो क्लिक कर लेना है। इस पोज में सिंपली आपको लेट के और अपना फेस हाइड करना है। अब इस पोज के लिए आपको सिंपली अपना इयररिंग लेना है और उसे कान में पहनना है और पहनते हुए आपको अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अब अगली पोज के लिए सिंपली आपको अपना साड़ी नीचे की तरफ फोल्ड करना है और अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट पोज के लिए मैं क्या करूँगी कि सिंपली टेबल में बैठ जाऊँगी और साड़ी को अपने आगे की ओर लाऊँगी और उसका चिन को शोल्डर के पास लाऊँगी और अपना फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।